सो SCPM का SPOM वाला एग्जाम जो ऑनलाइन आप लोग को अपने सेंटर में जाके देना है, वो उसका एक लाइव रिव्यू तुम लोग के साथ शेयर कर रहा हूं। सो मेरी एक स्टूडेंट है फ्रॉम मुंबई एंड शी गेव द एग्जाम ऑन 29th of May। सो उससे रिलेटेड जो भी उसके साथ मेरा डिस्कशन हुआ है वो तुम लोग के साथ मैं ये वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। डू लाइक इट एंड शेयर इट विद एनीबडी जिसको भी अभी SPOM का, स्पेशली SCPM का एग्जाम देना बाकी है, बिकॉज आई थिंक मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर गिविंग फ्रॉम जून ऑनवर्ड्स। तो इसके लिए मुझे लगा कि अभी मेरे को ये वीडियो बनाना चाहिए सो दैट इट बिकम्स वेरी वेरी हेल्पफुल टू ईच वन ऑफ यू। तो जो भी उसके पॉइंट्स है वो सब मैंने इधर लिखे हैं, फटाफट आई एम गोइंग टू डिस्कस। फर्स्ट इज दैट पेपर इज केस स्टडी पेपर बेस्ड, ठीक है। सो मैंने आप लोग के साथ पहले भी मेरे वीडियोज में डिस्कस किया हुआ है कि मॉडल टेस्ट पेपर जो है ना उनका, उसमें वो लोग ने जितने भी क्वेश्चंस है सारे के सारे केस स्टडी बेस्ड रखे हैं, ठीक है। सो द पेपर इज गोइंग टू बी केस स्टडी बेस्ड। अब इसमें कैसा होता है, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे और कुछ केस सिनारियोज होंगे, ठीक है। देयर इज नॉट गोइंग टू बी अ डायरेक्ट क्वेश्चन, जैसे ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा व्हाट इज JIT, इट इज जस्ट इन टाइम, नो डायरेक्ट क्वेश्चन। हाँ, केस सिनारियो से कनेक्टेड कुछ थियोरिटिकल क्वेश्चन डाल दिया, या प्रैक्टिकल क्वेश्चन में प्रैक्टिकल क्वेश्चन के जो कुछ न्यूमेरिकल्स थे वो पूछ लिए, और उसी के साथ में कुछ अगर उन्होंने थ्योरी डाल दिया तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। सो इन शॉर्ट पेपर केस स्टडी बेस्ड होने वाला है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे प्लस केस सिनेरियो बेस्ड होंगे। टोटल उसके पेपर में 50 क्वेश्चंस थे एंड ऑल वर अप्रोक्सीमेटली 2 मार्क्स ईच, एंड कैलकुलेटर इज अलाउड, यस। एंड वो लोग रफ शीट्स भी देंगे, बट ध्यान से सुनना, रफ शीट्स पे वो लोग का, सपोज फॉर एग्जाम्पल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के IT डिवीजन में वो पेपर हो रहा है तो उसपे वो लोग स्टैंप मारेंगे। वो रफ शीट पे आपको जितना सॉल्व करना है आप करो, जितना रफ शीट्स लेना है आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यू हैव टू रिटर्न इट बैक टू देम, राइट। बिकॉज अदरवाइज क्या, आप लोग MCQ उधर लिख लोगे और फिर लेके जाके प्रोफेसर लोग के साथ शेयर करोगे, गलत बात, इंस्टीट्यूट बोलता है कि ये सब नहीं चाहिए हमको। तो अगर आप वो रफ शीट ले रहे हो बिंदास लो, बट उनको रिटर्न कर दो। फिर बाद में आ जाता है कि प्रेपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होगी, तो उसकी प्रेपरेशन स्ट्रेटेजी में व्हाट डिड शी टोल्ड, शी टोल्ड के सर एक आइडिया रहना चाहिए ऑल चैप्टर्स का एंड कॉन्सेप्ट्स का। देर वर अराउंड 5 to 6 केस स्टडीज अकॉर्डिंग टू हर। उसके पेपर में ट्रांसफर प्राइसिंग आया था, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आया था, लीन सिस्टम आया था, और बाकी थोड़ा स्प्रेड आउट था, बाकी कुछ चैप्टर्स थे। परफॉर्मेंस मेजरमेंट का उसने बोला एक दो एक केस स्टडी था। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स, बट इट कैन बी डिफरेंट फॉर यू बिकॉज ये तो रैंडमली पेपर सिमुलेशन के बेसिस पे आने वाला है। मेरे हिसाब से ICAI BOS के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस के लिए। देखो बाई डिफॉल्ट अगर आप लोगों के पास मेरा ये MCQ वाला बुक है तो वेल एंड गुड, इसमें तो आप लोग का सब कवर हो ही जाएगा, टेंशन नहीं है, राइट। बट अगर किसी के पास कम टाइम है एंड फटाफट उसको करना है, देन इन दैट केस इधर नीचे कमेंट में मैं मेरा PDF शेयर कर रहा हूं जिसपे ICAI के बोर्ड ऑफ स्टडीज के जितने भी क्वेश्चंस है वो मैं तुम लोग के साथ शेयर कर देता हूं। मैं कर चुका हूं पहले भी, बट इन केस आप लोग टेलीग्राम पे नहीं हो एंड यू आर न्यू टू दिस चैनल, देन सब्सक्राइब भी कर लेना एंड ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल ऑल्सो फॉर मोर अपडेट्स। सो वो मैं आप लोग के साथ PDF शेयर कर लूंगा तो आइडिया आ जाएगा आप लोगों को। सर एकदम रैंडमली बिना पढ़े जा सकते हैं क्या? इफ यू आस्क मी द आंसर इज नो। उसने मेरे से पहले SCMP किया हुआ था ये जो स्टूडेंट है, सो शी हैड एन आइडिया ऑफ ऑल द कॉन्सेप्ट एंड प्लस अभी जो मेरे बुक्स है एंड जो बैच है उसके हिसाब से उसने कर लिया एंड शी वॉज एबल टू पास इट कंफर्टेबली। कोई स्पेसिफिक वेटेज है क्या चैप्टर का? तो आंसर इज नो, ऐसा कोई स्पेसिफिक चैप्टर का वेटेज नहीं है। उसको ये चैप्टर से आया है डजंट मीन कि आपको भी आएगा, बट डेफिनेटली ये वैसे भी ये जो 3 चैप्टर मैंने लिखे दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो एनी विच केस आपको इनको एकदम स्ट्रांग प्रॉपरली करके जाना ही है। 2-3 चैप्टर्स में से जो आप करके जा रहे हो और वो आ गया ना, देन इन दैट केस अपना लॉटरी है, फिर बाद में निकल जाएंगे। पेपर 100 मार्क्स अटेम्प्ट करना ही है, जैसा मैंने तुम लोग को आई थिंक पहले भी मेरे एक वीडियो में बताया है। उसने कहाँ से पढ़ा था? शी वॉज माई SCMP स्टूडेंट, बुक से, मेरे रिवाइज बुक से पढ़ के गई थी। अकॉर्डिंग टू हर पेपर वॉज मीडियम लेवल एंड अकॉर्डिंग टू हर 3 आवर्स वर सफिशियंट विद डिसेंट स्पीड। तो आप लोग डिसेंट स्पीड रखो अगर एग्जाम में, देन आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम। सो इन शॉर्ट आई थिंक ये एक पॉजिटिव चीज है अपने लिए, ऑल ऑफ यू विल बी एबल टू क्लियर इट इन फर्स्ट गो, बट एकदम रैंडमली मत जाना। थोड़ा सा अच्छा प्रिपरेशन रखो, थोड़ा सा एफर्ट जो चाहिए उतना कर लो, और लास्ट लास्ट पे अगर तुम लोगों को चाहिए तो मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे मेरे रिवीजन वीडियोस का प्लेलिस्ट भी डाल देता हूँ, और वो जो मैंने रिवीजन वीडियोस बनाए वो पुराने मैजिक बुक का है, तो वो भी मैं तुम लोग को उसका भी PDF मैं कल तक शेयर कर दूंगा। सो ये भी एक आई थिंक तुम लोग के लिए अच्छा हो जाएगा इन केस आपके पास क्लास करने का टाइम नहीं है या वैसा कुछ। बट अगर आप एकदम टोटली न्यू हो एंड यू हैव नॉट स्टडीड SCMP तो फिर इट इज अ रिस्क, तो फिर तो आपको कुछ ना कुछ तो करके ही जाना पड़ेगा। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ट्रांसफर प्राइसिंग, कोई भी चैप्टर से कुछ आता है कितना तुक्का लगाओगे,
तो दैट्स वाइट थोड़ा करके जानेगा। स्टूडेंट से काफी रिकमेंडेशन आया कि सर एक कुछ शॉर्ट बैच वाला भी कुछ हो तो करो, सो आई एम ट्राइंग दैट ऑल्सो। मेरा ये वाला भी बैच जो 100 आवर्स का, आई एम ट्राइंग कि 80 आवर्स में कंप्लीट हो जाए। और इसमें तो आप लोग जो भी हो साथ में, यू नो कि वी आर कवरिंग ऑलमोस्ट एवरीथिंग, तो इस बैच के बाद आपको और कुछ करने का जरूरत नहीं है। सो लेट्स सी हाउ द थिंग्स वर्क। इन शॉर्ट मेरे हिसाब से कहीं पे भी अपने को कुछ टेंशन नहीं लेना है, बहुत पॉजिटिव चीज है। जितना मैं बता रहा हूँ उतना प्रॉपरली करके जाओ। मुझे टाइम मिला तो मैं थोड़ा रिविजन वीडियोज भी नेक्स्ट वीक से डालना चालू कर दूंगा, स्पेशली ऑफ द अनकॉमन टॉपिक्स, बिकॉज काफी सारे स्टूडेंट्स का वो भी रिकमेंडेशन आया कि सर कुछ अनकॉमन टॉपिक्स के लिए बना दो। सो आई विल सी, अगर मेरे को टाइम मिलता है डेफिनेटली आई विल वर्क ऑन दैट एज वेल। बाकी आप लोग का डेट्स कभी है क्या है डू लेट मी नो, एंड एनीथिंग अदर देन दिस क्वेश्चन कुछ है तो भी मुझको आप लोग कमेंट में पूछ रहे हो, आई विल आस्क हर एंड गेट बैक टू यू। ठीक है, चलो टाइम फॉर मी टू से हस्ता ला विस्ता, ये एक छोटा सा डिस्कशन था। हाँ, उसने बोला था कि वाटर बॉटल ट्रांसपेरेंट लेके जाना पड़ता है बिकॉज प्रॉपर चेकिंग होता है, तो वाटर बॉटल ट्रांसपेरेंट लेके जाना। एंड बाकी तो जो भी अपने को रिक्वायरमेंट्स है वो वहां से मिल रहा है, एंड सिमुलेशन के बेसिस पे रैंडम क्वेश्चन आएगा। उसके केस में एक टेक्निकल ये भी हुआ था कि कुछ एक या दो क्वेश्चन कुछ रिपीटेड था, केस स्टडी नहीं, कुछ एक या दो क्वेश्चन रिपीटेटिव आ गया था। तो ठीक है, अपने अपने नसीब है वो, तो उसमें तो अब वैसा है, टेक्निकल ग्लिच हो गया आईसीएआई का, उसके लिए इट वाज बेनिफिशियल टू हर। ठीक है चलो, सो और एनीथिंग एल्स लेट मी नो। टाइम फॉर मी टू से हास्ता ला विस्ता, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, मिलते रहूंगा आप लोगों को और काफी सारी ऐसी चीजों के साथ। बाय बाय।